क्या आप एक सीए स्टूडेंट हैं और किसी भी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कभी आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, या कभी आपके एग्जाम तो क्लियर हो जाते हैं बट सर ग्रुप क्लियर नहीं हो पाता है, क्या यह समस्या आपके साथ भी है और आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा रास्ता जो आपको हेल्प कर सके इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन और आपको हेल्प कर सके वहां पहुंचने में जहां आप पहुंच जाते जब आप सीए क्वालिफाई हो जाते हैं? इफ यस, देन आई हैव अ सीक्रेट टू बी शेयर्ड विद यू. एनी एंड एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट should always know this, should surely know this, that there is one qualification that really helps them capitalizing on what they have already done, and that is ACCA. जैसे बच्चे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं इंडिया में, ऐसे ही ACCA बच्चे यूके की क्वालिफिकेशन है जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप यूके के क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं. ये क्वालिफिकेशन क्योंकि मोर देन 180 कंट्रीज में आपको रिकग्निशन देती है, इसीलिए इसको ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कहा जाता है. तो क्यों नहीं हम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ एक ग्लोबल सीए को भी शुरू करें जो कि शायद हमारी इंडियन सीए से पहले क्वालिफाई हो जाए. और उसके बहुत सारे कारण हैं और उसके बहुत सारे कारण समझने हर सीए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं. पहली बात बच्चे, एसीसी के अंदर ना कोई भी ग्रुप सिस्टम नहीं होता है, तो आप एक एक करके एग्जाम दे सकते हो और एक एक करके क्वालिफाई कर सकते हो. तो जो हमें हर एग्जाम में पास होना और हर ग्रुप में 50% बनाना, वो यहां पे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. आप एक एक करके एग्जाम दो और आगे बढ़ चलो. दूसरी अच्छी चीज ये बच्चे कि एसीसी के एग्जाम हर क्वार्टर होते हैं बेटे, आप हर क्वार्टर में जाके एग्जाम दे सकते हो, आपको 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है. और तीसरी बात बच्चे, ACCA बहुत सारी exemptions देता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स को. यस, यू हर्ड इट राइटली, अगर आप सीए स्टूडेंट हो और आपने अपनी आईपीसीसी क्लियर की हुई है एंड ऑफ कोर्स आप फाइनल में हो, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं. अगर आपने बहुत सारे फाइनल के एग्जाम्स भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स में दिए हुए हैं और उन्होंने एग्जाम्स में आपके 40 प्लस आ गए बट ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो वो भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं. और बहुत सारे एग्जम्पशंस के बाद आपको बहुत थोड़े से एग्जाम देने होते हैं और वो क्वालिफाई करके आप ACCA हो जाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ACCA कोविड प्रूफ क्वालिफिकेशन है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इसके एग्जाम आपके घर से होते हैं, आप अपने घर से एग्जाम दे सकते हैं. इसी कारण से कोविड एरा में जो बहुत सारे बच्चे एग्जाम कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के नहीं दे पाए, उनको भी ACCA ने हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग इन देयर करियर. अगर आप ACCA के बारे में और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो यू कैन सर्टनली रीच आउट टू अस. बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट होता है कि क्योंकि सर ये यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है ना, तो बहुत एक्सपेंसिव होगी. तो बच्चे मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये क्वालिफिकेशन आप इंडिया में रहते हुए परस्यू कर सकते हो और इंडिया में रहते हुए ही क्वालिफाई कर सकते हो. और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज में इंडिया में इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आप यहां बैठे ही नौकरी भी पा सकते हो और बहुत सारी एमएनसीज और बिग फोर्स में भी काम कर सकते हो. और रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट के लिए तो फिनट्रैम ग्लोबल है ही. यू कैन सर्टनली रीच आउट टू फिनट्रैम ग्लोबल एंड वी आर द गोल्ड अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स फॉर ACCA एंड ऑफरिंग स्कॉलरशिप दैट कैन गो अप टू ₹91,500 फॉर एनी एंड एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट. इजंट दैट अ ग्रेट न्यूज? यस सर. So in order to know more, just log into fintime.com and reach out to us, and we're happy to help.